बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 14 विलोम शब्दों के जो आगे के प्रश्न और उत्तर हैं, आज उन्हें कराने चल रहा हूं। तो बच्चों, आगे के प्रश्न जो उत्तर हैं, उनसे क्या मतलब है कि मतलब हमने ये जो पाठ 14 हमारा विलोम शब्द है, ठीक है, इसमें हमने क्या देखा था बच्चों, इसमें हमने देखा था कि विलोम शब्द कहते किसे हैं और कुछ शब्दों के विलोम शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद में हम अभ्यास प्रश्नों की तरफ चले थे। अभ्यास प्रश्नों को हमने देखना शुरू किया था और दो तरह के हमने अभ्यास प्रश्नों को हल किया था। कितने तरह के बच्चों? दो तरह के अभ्यास प्रश्नों को हमने हल किया था। पहले तरह का जो अभ्यास प्रश्न था वह था रिक्त स्थानों में विलोम शब्द लिखिए। मतलब विलोम शब्द लिखना था, कहां पे कुछ शब्द दिए गए थे उन्हीं के सामने क्या दिया गया था, रिक्त स्थान दिया गया था, हमें उन शब्दों का विलोम शब्द उस जो वो रिक्त स्थान दिए गए थे उनमें हमें लिखना था, ठीक है। इसके बाद दूसरी तरह का जो हमारा प्रश्न था वो था बच्चों मिलान करने का। मतलब एक रो में शब्द दिए गए हैं और दूसरे रो में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, जो दूसरी रो में शब्द हैं वह पहली लाइन के क्या हैं, पहले रो के क्या हैं बच्चों, वह विलोम शब्द दिए गए हैं लेकिन एक दूसरे के सामने नहीं दिए गए हैं, वो ऊपर नीचे करके दिए गए हैं। हमें क्या करना था बच्चों, हमें इधर से शब्द लेना था और उस शब्द का विलोम शब्द देख करके उसमें मिलान करना था, दूसरी लाइन के शब्दों से मिलान करना था। जो भी पहले लाइन का शब्द हम ले रहे हैं दूसरी लाइन में देखेंगे कि उसका विलोम शब्द कहां पे है, उसे हमें क्या करना था बच्चों, मिलान करना था। ये हमारे दूसरे तरह का प्रश्न था। अब प्रश्न का जो प्रकार था वह तीसरा प्रकार था। तीसरे प्रकार में हम पढ़ने चल रहे हैं कि कोष्टक में से, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि कोष्टक में से उचित विलोम शब्द पहचान कर। आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोल लीजिए और उसका अभ्यास प्रश्न भी खोल लीजिए, ठीक है, सारे बच्चे खोल लें और देखें कि तीसरे नंबर का प्रश्न है। तीसरे नंबर के प्रश्न में दिया गया है कि कोष्टक में से, ठीक है, उचित विलोम शब्द पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए, ठीक है बच्चों। तो इस अभ्यास प्रश्न को पहले करने से पहले हम एक बार फिर से विलोम शब्द की परिभाषा देख लें कि आखिर विलोम शब्द कहते किसे हैं। तो हम बच्चों ये सब हम पहले से भी हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं, कई बार ये सब सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि विलोम शब्द कहते किसे हैं। तो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द कहते हैं। अब आइए हम तीसरा प्रकार, ये प्रश्न का जो तीसरा प्रकार है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसके जो प्रश्न हैं इसे हल भी करने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों, आइए देखें। तो यहां पर ये देखते हैं कि तीसरे प्रकार का हमारा प्रश्न है, ठीक है बच्चों, क्या है तीसरे प्रकार का प्रश्न है। इसमें दिया गया है कि कोष्टक में, कोष्टक में का मतलब है ये जो कोष्टक दिया गया है, ठीक है, ये जो कोष्टक दिए गए हैं इनमें से क्या करना है, कोष्टक में से उचित विलोम शब्द पहचान कर। मतलब बच्चों क्या है कि कोष्टक में से उचित विलोम शब्द पहचान कर, आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक कोष्टक में दो दो शब्द दिए गए हैं, दो दो शब्द दिए गए हैं, पेयर में जोड़े में जो है दो दो शब्द दिए गए हैं। ये कर क्या रहा है कि प्रश्न पहचान कर रिक्त स्थानों में लिखिए। अब रिक्त स्थान कहां है तो आप सबको दिख रहा होगा कि ये रिक्त स्थान है, ठीक है। हमें क्या करना है कि कोष्टक में से विलोम शब्द पहचान कर, कौन सा विलोम शब्द, किसका विलोम शब्द बच्चों, ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं इनका विलोम शब्द पहचान करके हमें क्या करना है बच्चों, इस कोष्टक में लिखना है। और कहां से लिखना है, यहां से, इस कोष्टक में से, इन दोनों शब्दों में से हमें ये देखना है कि इस शब्द का विलोम शब्द इन कोष्टक में से कौन सा होगा, वो हम पहचान लेंगे और पहचान करके इस कोष्टक में लिख देंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखें, आप सब यहां पे देख रहे होंगे कि अच्छा है, ठीक है, ये अच्छा शब्द पहला शब्द है अच्छा, ठीक है। इस अच्छा शब्द में हम ये देखते हैं कि ये यहां पे रिक्त स्थान दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया बच्चों, रिक्त स्थान दिया गया है और इधर क्या दिया गया है कोष्टक में, दो शब्द दिए गए हैं। कितने शब्द दिए गए हैं बच्चों, दो शब्द कोष्टक में दिए गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या देखते हैं बच्चों, हम ये देखते हैं कि
जैसे ही कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों में से, क्या बच्चों, उन शब्दों में से अगर हम क्या करते हैं, इसको विलोम शब्द इसका चुनना है या विलोम शब्द इसका देखना है। किसका विलोम शब्द हमें देखना है बच्चों? हमें देखना है विलोम शब्द किसका? ये जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, ये जो शब्द ये दिया गया है उसका विलोम शब्द हमें यहां से देखना है और इसे लिखना है। तो हम ये देखते हैं कि अच्छा का विलोम शब्द इस पुस्तक में से हम देखते हैं कि आखिर अच्छा का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, हम ये देखते हैं कि अच्छा का विलोम शब्द क्या होगा, उसे हमें क्या करना है बच्चों? लिखना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो विलोम शब्द पुस्तक में दिया गया है, एक शब्द है गंदा और है बुरा। यहाँ पे दो शब्द जो दिए गए हैं इसमें से अच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा क्या? अच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अच्छा, जो अच्छा काम करे, जिसको सब सारे लोग मानते हैं, जो कोई भी काम गंदा ना करे, जो कोई भी बुरा काम ना करे, उसे हम अच्छा कहते हैं। तो अच्छा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? बुरा हो जाएगा, क्योंकि जो बुरा व्यक्ति होता है वह क्या करता है? वह गलत कामों को करता है। ठीक है, वह अच्छा इंसान नहीं होता। अतः अच्छा को जो विलोम शब्द हो जाएगा वह बुरा हो जाएगा। तो इस बुरा शब्द को हमें क्या करना है बच्चों? इस प्रश्न के अनुसार में रिक्त स्थानों में लिखना है। तो हम इस रिक्त स्थान में लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों? बुरा लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे? बुरा, ये हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे शब्द पे चलें। दूसरा शब्द बच्चों हमारा क्या यहाँ पे दिया गया है? दूसरा शब्द हमारा यहाँ पे दिया गया है कायर। क्या दिया गया है बच्चों? दूसरा शब्द हमारा यहाँ पे कायर है। अभी देखते हैं कि जो कोष्टक समय पहचान करना है कि आखिर इस कोष्टक में कौन सा ऐसा शब्द है। ठीक है, कौन सा ऐसा शब्द है इस कोष्टक में से जो कायर का विलोम शब्द हो? तो कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? कमजोर तो वैसे भी कमजोर है। ठीक है, कमजोर जो रहता है वह क्या कभी वीरता प्रदर्शित कर सकता है? क्योंकि कायर व्यक्ति कभी भी जो है, यहाँ पे जो कमजोर व्यक्ति है कभी भी वीर नहीं बन सकता, कभी भी निर्भीक नहीं हो सकता। अतः कमजोर व्यक्ति यह इसका विलोम शब्द नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? जो वीर शब्द है, ये जो वीर शब्द है यह किसका? कायर का विलोम शब्द हो जाएगा। कायर मतलब डरपोक, जो कोई भी जो है काम करने में, मतलब एक तरह से कि वीरता पूर्वक जो कार्य ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कायर कहते हैं। तो ये कायर का जो है वह विलोम शब्द हो जाएगा बच्चों वीर। तो यहां पे हम लिख देंगे वीर, ये हो गया वीर। ठीक है, अब आइए देखते हैं ग नंबर पे हंसना है। ग नंबर के पे क्या है बच्चों? हंसना है। इस हंसना जो शब्द है इसका विलोम शब्द हमें इस कोष्टक में से देखना है। इस कोष्टक में भी दो शब्द दिए गए हैं, इन दोनों शब्दों में से कोई एक जो है वह हंसना का विलोम शब्द होगा। तो हंसना का विलोम शब्द बच्चों, जब हम प्रसन्न होते हैं तो हम हंसते हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखते हैं कि हंसना का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हंसना दिया गया है, यहाँ पे रोना दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि हंसना का विलोम शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? रोना हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ हंसना है और दूसरी तरफ रोना। मतलब जब आदमी जो है प्रसन्न होता है तो वह हंसता है, प्रसन्नचित रहता है। वहीं आदमी जब दुखी होता है तो क्या होता है बच्चों? रोता है। तो चूंकि ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, अतः हम क्या कहेंगे बच्चों इन्हें? ये जो है रोना जो है वह हंसना का विलोम शब्द हो जाए। अब आगे हम देखते हैं कि सजीव पे चले। घ नंबर का जो है ये शब्द है, तो घ ये सजीव है। सजीव का विलोम शब्द यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे? इस कोष्टक में दिए गए जो दोनों शब्द हैं, ठीक है, इनमें से कोई एक शब्द जो है वह क्या है बच्चों? सजीव का विलोम शब्द है। तो हम ये देखते हैं कि सजीव का मतलब है कि जिसके अंदर जान हो। सजीव, जान से सहित, मतलब जिसके अंदर जान हो, जो चलता हो, जो चलता फिरता हो, जिसके अंदर जान हो, जो सेंसिटिव टाइप का हो, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम सजीव कहते हैं। और निर्जीव मतलब जो मरा हुआ है, जिसके अंदर जिंदगी ना हो, जान ना हो, जो मरा हुआ हो उसे हम कहते हैं। तो ये अजीव तो हो नहीं सकता, निर्जीव, चूंकि निर्जीव मतलब जो मरा हुआ हो, जिसके अंदर जान ना हो, तो ये जो है सजीव का विपरीत है। कैसे विपरीत है? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, अतः सजीव का विलोम शब्द यहाँ पे ये निर्जीव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों?
निर्जीव लिख देंगे। क्या लिख देंगे? निर्जीव लिख देंगे। ये क्या हो गया बच्चों? निर्जीव हो गया। अब आइए आगे हम देखते हैं ग है, इसमें ये जो शब्द है वो क्या है बच्चों? स्वतंत्र है। स्वतंत्र शब्द है। स्वतंत्र शब्द में यहाँ पे हमें इस पुस्तक में से दो शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है, हमें मतलब देखना है कि कौन सा जो है स्वतंत्र का विलोम शब्द हो सकता है। तो स्वतंत्र का मतलब होता है बच्चों कि जब हम अपने अनुसार अपने हिसाब से हम काम करने में हमें काम करने का मौका दिया जाए, या किसी का दबाव हम पे ना हो, हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सके, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वतंत्र कहते हैं। जैसे हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, ठीक है, तो उसमें हम क्या हुए थे बच्चे? अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए थे, मतलब अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून थे, उनके द्वारा जो थोपे गए कानून थे, उससे हम स्वतंत्र हुए थे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वतंत्र कहते हैं। अब अगर हमारा किसी पे अधिकार हो, हम अपना काम स्वयं अपनी सोच अपने विचार से न कर पा रहे हो, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? परतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो शब्द है परतंत्र, ये हो जाएगा स्वतंत्र का विलोम शब्द, क्योंकि क्योंकि ये शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थों को प्रकट कर रहे हैं, अतः हम इन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहेंगे। तो यहां पे हम कर देंगे क्या? परतंत्र। तो ये हो जाएगा परतंत्र। क्या हो जाएगा बच्चों? परतंत्र हो जाएगा। अब आइए हम क्या देखते हैं बच्चों? अब आइए प्रश्न के हम चौथे प्रकार में चलें। प्रश्न का चौथा प्रकार हम देखेंगे कि वहां पे उत्तर हमें कैसे देना है। प्रकार से तात्पर्य यही बच्चों कि हर प्रकार, मतलब प्रश्न पूछने का जो यहाँ पे तरीका है वह चौथा तरीका है, मतलब हमें उत्तर किस तरह से देना है ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है बच्चों? कि दिए गए रंगीन शब्दों के सही विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि कुछ रंगीन शब्द आप अपनी पाठ्यपुस्तक में देख पा रहे हैं, यहाँ पे तो रंगीन शब्द आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में आपको रंगीन शब्द चौथा आप जब प्रश्न पढ़ रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि क्या दिए गए रंगीन शब्द, कुछ रंगीन शब्द दिए गए हैं नीचे की तरफ, ठीक है, उनको शब्दों के सही विकल्प, मतलब वो जो रंगीन शब्द आपकी पाठ्यपुस्तक में प्रश्न में दिए गए हैं, उन्हीं जो रंगीन वो शब्द दिए गए हैं, उन्हीं रंगीन शब्दों के क्या करना है? विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। मतलब उन्हीं जो रंगीन शब्द हैं, उन्हीं रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों को लिख करके हमें जो नीचे दिए गए वाक्य हैं, हमें क्या करना है बच्चों? उन्हें पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो आइए चलें और देखें कि आखिर ये जो रंगीन शब्द हैं वो उनके विलोम शब्द क्या हैं और हम इन वाक्यों को कैसे पूरा कर सकते हैं उनके विलोम शब्दों से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, क्या क्या कह रहा है बच्चों? सदैव सच बोलना चाहिए। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि ये जो सच है, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे ये जो सच है, ठीक है, ये रंगीन शब्द है। आपकी पाठ्यपुस्तक में आप देखेंगे तो ये जो सच है ये क्या है बच्चों? ये रंगीन शब्द है। तो हमें सच का विलोम शब्द लिख करके क्या करना है बच्चों? इस वाक्य को पूरा करना है। तो सदैव सच बोलना चाहिए। अब सच का विलोम शब्द क्या होना चाहिए बच्चों? तो सच का विलोम शब्द होगा झूठ। तो यहां पर हम लिख देंगे कि सच सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ ये क्या कर देंगे? झूठ ये हो गया, झूठ नहीं, ठीक है, ये शब्द हो गया सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। अब क्या है, कुछ प्रश्न सरल है तो कुछ प्रश्न खाली स्थान है। अब हमें इसे खाली स्थान को किससे पूरा करना है? ये जो रंगीन शब्द आपके पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, आप सब देख रहे होंगे, सरल, ये सरल शब्द ही रंगीन है। अब इस सरल शब्द का हमें विलोम शब्द देखना है और उसी को यहाँ पे खाली स्थान पे लिखना है जिससे ये वाक्य पूरा हो सके। तो हम ये देखते हैं कि सरल शब्द है, सरल शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा बच्चों? वह होगा कठिन, ठीक है। तो ये कठिन शब्द है, ये कठिन हम कर देते हैं। तो कुछ प्रश्न सरल हैं तो कुछ प्रश्न कठिन, मतलब कोई प्रश्न पत्र आया हुआ है, उस प्रश्न पत्र में जो है वह बच्चे देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे कुछ प्रश्न तो सरल हैं, काफी अच्छे हैं, हम कर ले जाएंगे,
लेकिन कुछ में हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब वो कठिन है। अब आइए देखते हैं कि ग में क्या दिया गया है कि मोहन मोटा है। क्या है बच्चों? मोहन मोटा है। तो ये जो मोटा शब्द है, ये जो मोटा शब्द है बच्चों, वही आपके पाठ्यपुस्तक में रंगीन, क्या है बच्चों? रंगीन शब्द से लिखा गया है। और सोहन, तो मोटा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? मोटा का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह होगा पतला। तो मोटा का विलोम शब्द पतला हो जाएगा। तो हम सब यह देखते हैं कि मोहन मोटा है और सोहन पतला। ठीक है बच्चों, ये वाक्य पूरा हो गया। अब आइए देखते हैं कि घ वाक्य नंबर है, ये जो घ है इसमें देखते हैं कि रात के बाद। ठीक है, अब ये जो रात शब्द है, ठीक है, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिख रहा होगा कि ये जो रात शब्द है वही रंगीन शब्द है। क्या है बच्चों? रंगीन शब्द है। तो ये जो रात रंगीन शब्द है, इसका हमें रात का विलोम शब्द देखना है। तो रात का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों? आप सबने अच्छे से पढ़ा है, रात का विलोम शब्द हो जाएगा दिन। ठीक है, तो रात का विलोम शब्द दिन हो जाएगा। तो दिन को हमें यहां पे लिख देना है कि रात के बाद में बाद दिन, रात के बाद दिन आता है। ये भी शब्द पूरा हो गया। कैसे पूरा हो गया बच्चों? हमने विलोम शब्द हम जब देखे, हमने रात का विलोम शब्द देखा तो दिन होता है, तो दिन शब्द जैसे यहां पे लिखे हम, तो वैसे ही यह वाक्य पूरा। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका, और यहां पे देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने ये सब सारी चीजें की थी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि तीसरा है, तीसरे में दिया गया है कोष्ठक में से उचित विलोम शब्द पहचान कर दिए गए रिक्त स्थानों में लिखना। क्या करना है बच्चों? कोष्ठक में से उचित विलोम शब्द देख करके दिए गए किसमें लिखना। अब आइए देखते हैं कि जैसे अच्छा का विलोम शब्द उसमें से हमने देखा बुरा है, कायर का विलोम शब्द कोष्ठक में से हमने देखा तो क्या है बच्चों? वीर है। कायर का विलोम शब्द क्या दिया गया बच्चों? वीर है। हंसना का विलोम शब्द रोना दिया गया है। सजीव का विलोम शब्द यहाँ से हमने देखा तो निर्जीव हुआ। स्वतंत्र का विलोम शब्द हमने कोष्ठक में से देख लिया परतंत्र। और यहाँ पे दिए गए रंगीन शब्दों में से सही विलोम शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए, ये दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, सदैव सच बोलना चाहिए, और सच का विलोम शब्द यहाँ से हमने देखा कि झूठ है। कुछ प्रश्न सरल है, तो सरल का विलोम शब्द लिख करके हमें पूरा करना था। तो कुछ प्रश्न सरल है तो कुछ प्रश्न कठिन है। उसके बाद मोहन मोटा है और सोहन पतला है। ठीक है, रात के बाद में दिन आता है। रात के बाद क्या आता है बच्चों? दिन आता है। तो हमने यहाँ पे सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया है, हल कर लिया है। आपके पाठ्यपुस्तक का जो ये पाठ 14 विलोम शब्द है, उनके आप उसका जो अभ्यास कर, उनके जो अभ्यास कर यहाँ पे इतने दिए गए थे, प्रश्नों के चार प्रकार दिए गए थे, सबको हमने अच्छे से कर लिया है। आप सब भी अपनी पाठ्यपुस्तक में ही, या तो अपनी कॉपी जो आपने बनाई होगी नोट्स पे, आप उसे लिख करके और दिखाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।